पूरा ही फिर अभी दे दीजिए स्टार्ट करिए थोड़ा सा बात करिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू एग्जाम फाइटर्स। गुड मॉर्निंग प्रशांत, गुड मॉर्निंग राजेश। जैसा कि आप सभी को पता है कि इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड लेवल पर जो आपकी वैकेंसी आई है जेएसएससी की, उसमें कंप्यूटर का जो सेक्शन है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कंप्यूटर के 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग सीमा, सुभाष गुड मॉर्निंग। तो कंप्यूटर के कितने क्वेश्चन हैं? कंप्यूटर के 50 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले अगर आप ये जान जाएं कि अगर आपने ये सोचा है कि मैंने जेएसएससी सीजीएल के लिए कंप्यूटर क्लासेस कर रखा है उससे हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो आपका एक 20 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हर टॉपिक को टच किया गया था, और वहां पर टाइपिंग का कोई हमारे पास नहीं था कि टाइपिंग होगा या नहीं होगा। गुड मॉर्निंग सुरेश, धनेश्वर जी गुड मॉर्निंग, रमाकांत जी गुड मॉर्निंग। तो मुद्दा यह है कि अब जो हम लोग कंप्यूटर यहां पर चलेंगे, ये बेसिकली इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड लेवल पर जो वैकेंसी आई है उसके लिए है। यहां पर जो कंप्यूटर क्लास हम लोग लेकर चलेंगे, ये कंप्यूटर क्लास जो आपका होगा ये काफी डेप्थ में होगा। मतलब कि आप कोई कंप्यूटर के बारे में सी तक नहीं जानते हो, या कंप्यूटर में आपको लगता है कि आप बहुत जानते हैं, फिर भी आपको यहां कुछ नया देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको हमारा टारगेट ये रहेगा कि आपको हर चैप्टर में थॉरली इनपुट आपको कराया जाए, ताकि आप क्या कर सको, 50 मार्क्स में आपका कहीं पे कोई क्वेश्चन ऐसा ना हो जो किसी टॉपिक से छूट जाए। अभी तक जो मैं इंट्रोडक्शन मान लो कंप्यूटर का कराया हूँ सीजीएल जेएसएससी सीजीएल की वैकेंसी के लिए, तो यहाँ इंट्रोडक्शन में केवल उतना नहीं पढ़ना है हम लोग को, साथ ही साथ अपार्ट फ्रॉम ऑल सिलेबस, अगर पूरे सिलेबस को देख कर चलें, उसके आगे भी चलें, तो हम लोग को टाइपिंग स्किल्स के बारे में भी जानना है, और टाइपिंग के शॉर्टकट्स के बारे में जानना है कि शॉर्टकट क्या होते हैं, कैसे यूज किया जाता है। क्योंकि लास्ट ईयर जो वैकेंसीज आई थी तो हमारा जो नोट्स था वो काफ़ी पॉपुलर हुआ था, और काफ़ी अच्छा उससे एग्जामिनेशन में आउटपुट रहा था। तो उसी वे में हम लोग फिर इस बार चलेंगे, और आपको कोशिश करेंगे कि एग्जामिनेशन में आपको ऐसा फील ना हो, आप फंबल ना करें कि आपने कंप्यूटर में कुछ नहीं पढ़ रखा है। तो सबसे पहले थॉरली पढ़ने के लिए कब तक एग्जाम होगा, एग्जाम कब होगा कब नहीं, ये रंजीत सर और कुणाल सर आके आपको वीडियो बना देंगे, बता देंगे। अभी फिलहाल आप क्या करें, कंप्यूटर के सिलेबस के ऊपर फोकस करें। आपका काम है पढ़ना, कब एग्जाम होगा ये विभाग का काम है, वो आपका काम नहीं है। आपका काम है अपनी पढ़ाई को पढ़ना, अपने सिलेबस को कंप्लीट करना, रिवीजन करना, ताकि एग्जामिनेशन जब हो आप उसके लिए प्रिपेयर हो। आप तो आपके चाहने और ना चाहने से एग्जामिनेशन ऐसा नहीं है कि अभी हो जाएगा या 2 महीने बाद होगा। हाँ, टाइपिंग क्वेश्चंस भी हो जाएगा, टाइपिंग से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं, क्योंकि 50 मार्क्स हैं, तो उसमें टाइपिंग से रिलेटेड शॉर्टकट्स, उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर के क्वेश्चन, उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर के बाहर के क्वेश्चन, या फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो डायरेक्ट टाइपिंग में आते हैं, वो सारे चीज आपको मिलेंगे। तो टाइपिंग क्वेश्चन भी यहां पर हो जाएगा। तो अभी हम लोग बिना कुछ देर किए हुए स्टार्ट करेंगे। जिनको कुछ भी नहीं पता है कंप्यूटर के बारे में, वो भी आज पहली क्लास में कंप्यूटर में कुछ नया जरूर जानकर जाएंगे, इतना मेरा आप लोगों से कमिटमेंट है कि कहीं ऐसा नहीं होगा जो आप पहले की चीजें पढ़ते पहले। अब मैं कंप्यूटर है तो कंप्यूटर ही पढ़ाऊंगा, ऐसा तो नहीं कि एरोप्लेन पढ़ा दूंगा, लेकिन मुद्दा यह है कि आपको कुछ ना कुछ नया जानने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि कंप्यूटर के बारे में जो आप जानते आए हैं उतना ही आपको पता चलेगा। तो क्लास स्टार्ट करें, सब लोग एक बार ओके लिख दें कमेंट सेक्शन में। जैसे सभी भाइयों को जोहार। ये जो नया बैच स्टार्ट हुआ है ये आपका इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड के लिए है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये पूछने का आवश्यकता नहीं है कि सर इसमें टाइपिंग वाला हो जाएगा, चाहे ये वाला हो जाएगा, वो वाला हो जाएगा।
भाई जो सिलेबस में है वो सारा कुछ हो जाएगा। आखिर स्पेशल बैच स्टार्ट करने का मतलब ही यही ना होता है कि ये जो क्लास रहेगा फुल्ली डेडिकेटेड रहेगा उसी सिलेबस पे, तो फिर ये पूछने का कोई मतलब ही नहीं है। इस बैच का है तो इस बैच में जो भी सिलेबस में है वो तो होगा ही होगा, एक्सटर्नल भी होगा, ताकि यदि अगर थोड़ा बहुत इधर उधर से भी प्रश्न आ जाए तो भी आप बना लें। फाइनली ये है कि भाई आप ऐसा पढ़ा करके आपको भेजा जाए, पूरा तैयार करके भेजा जाए कि फुल एकदम सिलेक्शन का आप दावेदार रहें 120%। ठीक है, तो इसीलिए टेंशन मत लीजिए कि ये नहीं होगा और वो नहीं होगा, जो है वो तो होगा ही होगा, उससे और ज़्यादा बढ़ के भी होगा। तो एकदम से चिंता मत कीजिए, एकदम टेंशन फ्री होइए। और बाद बाकी सर तो हैं ही धासु, धासु सर अब यहीं रहेंगे झारखंड के। तो लीजिए अब पढ़िए आगे। और यहाँ हमारे एक बोल रहे हैं कौन कि कंप्यूटर का अलग क्लास दीजिए सर। तो भाई मेरे ये कंप्यूटर का अलग ही क्लास है, ये आपको ऐसा नहीं है कि अभी बीच में आके आपको कोई और सब्जेक्ट पढ़ा दिया जाएगा, ये बिल्कुल कंप्यूटर डेडिकेटेड क्लास है और कंप्यूटर डेडिकेटेड 50 मार्क्स डेडिकेटेड क्लास है। अभी तक जो भी हमारा सिलेबस आया था, या वो जेएसएससी सीजीएल हो या फिर जेएसएससी टेक्निकल हो सीजीएल या फिर कोई भी हो, उसमें जो आपका रहता था कंप्यूटर वो 10 या 20 मार्क्स का, उससे ज्यादा नहीं। तो हम उसी हिसाब से उसको पढ़ते थे, क्योंकि कंपटीशन निकालने का सबसे पहला अप्रोच हमारे पास ये होना चाहिए कि हमको किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में पीएचडी नहीं करना है। ये नहीं कि आपका मैथ्स अच्छा है तो मैथ्स ही इतना बना लो कि बाकी सब्जेक्ट का कोई अता ही पता ना रहे। तो सबसे पहले दिमाग में आप ये डालो, बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा जेनस। तो सबसे पहले आप दिमाग में ये डालो कि आपको किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में पीएचडी नहीं करना है, आपको अकॉर्डिंग टू द वेटेज, उसका वेटेज क्या है सिलेबस में, एग्जामिनेशन में उसका वेटेज क्या है, उस हिसाब से उस सब्जेक्ट के ऊपर आपको जोर देना है। जैसे आपने देखा था कि जेएसएससी सीजीएल की जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे तो झारखंड वहां पर वेटेज था, आपका यहां पर रीजनिंग और मैथ्स और कंप्यूटर का सेम वेटेज था, तो उतना ज्यादा हम इसको लेकर नहीं चले थे। लेकिन यहां पर कंप्यूटर का वेटेज मैक्सिमम है, 50 मार्क्स है केवल कंप्यूटर का, केवल और केवल कंप्यूटर को ले तो आपको कंप्यूटर का आपको कुछ नहीं सोचना है। सिलेबस में टाइपिंग है, क्या है क्या नहीं, वो सब मेरी जिम्मेवारी और आपको लेकर चलेंगे उसकी ओर। बस आपको करना क्या है कि मेरे साथ साथ चलना है और हर एक क्लास को आपको करना है। तो उसी के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बहुत ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा, जो भी अपार्ट फ्रॉम पढ़ाई के रिगार्डिंग है उसका वीडियो आपको अलग से बन जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि एग्जामिनेशन कब होगा क्या कब नहीं होगा। जहां तक रही बात फी की, तो आप एग्जाम फाइटर्स ऐप को डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, आपको सारी जानकारी वहां पर मिल जाएगी, क्या फी है, किस सब्जेक्ट का क्या फी है, कौन कौन से बैचेस चल रहे हैं सारे। तो स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर को, और कंप्यूटर में सबसे पहला, और हम लोग डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको पता होना बहुत जरूरी है। अभी मैं क्या करूं कि स्टार्टिंग में ही इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर का एमसीक्यू ले आऊं और बनाना स्टार्ट कर दूं और बता दूं कि 1 का ए होगा 2 का बी होगा ऐसा, तो आपको एक रटने की टेंडेंसी आ जाएगी कि चलो रोज सर क्लास में 50 क्वेश्चन कराते हैं, इस 50 को रटते चलेंगे। लेकिन एज ए टाइम बींग जैसे ऐसे टाइम पार होगा वो आपका भूल जाएंगे। तो इसीलिए मेरा मानना यह है कि आप कॉन्सेप्चुअल स्टडी करो, आप कॉन्सेप्ट के तरीके से पढ़ाई करो, देखना ऑटोमेटिक एमसीक्यू क्वेश्चन आप अपने कॉन्सेप्ट से उसका सही आंसर कर पाएंगे, आपको रटना नहीं पड़ेगा कि ये वो क्लास है ये वो क्लास है। चलिए, तो उसके बाद हम लोग कंप्यूटर में सबसे पहला ये देखते हैं, दो वर्ड यहां पर आता है, कंप्यूटर जो है वो क्या डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर जो कैसा है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जरा इस पे ध्यान देना क्योंकि बहुत बार यही क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है। अब ये एक वर्ड होता है इलेक्ट्रॉनिक, और अगर दूसरा वर्ड यहीं पर हम बात करें तो एक वर्ड हम लेते हैं इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल। तो बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं ये दो वर्ड में कि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, क्योंकि ये दोनों सिमिलर प्रोनाउंस होता है, एक तरह को देखने को मिलता है। ठीक है, तो कहीं ऐसा नहीं लगता है, कहीं ऐसा नहीं लगता है, आप देखोगे तो कहीं आपको ऐसा नहीं लगेगा कि चलो भाई इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर आप बोलो तो इलेक्ट्रॉनिक, ये दोनों में आप फंबल करोगे। मैकेनिकल की बात आई तो आप नाम से ही एम से स्टार्ट हो रहा है तो आप उसको एलिमिनेट कर लोगे। लेकिन मेरा यह समझाना काम नहीं है कि ई से स्टार्ट हो रहा है सी पे खत्म हो रहा है इसको रट लो, ये मैं नहीं समझाऊंगा। मैं समझाऊंगा कि वाई कंप्यूटर इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों कहते हैं, ये चीज हमें समझना है।
और उसके बाद हम लोग समझेंगे कि आखिर इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल का डिफरेंस क्या है, किस किस डिवाइसेस को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं, किस किस डिवाइसेस को इलेक्ट्रिक। काफी बेस में हमको जाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम बेस में नहीं जाएंगे तो हमारा 50 मार्क्स जो है उसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन छूट ही जाएंगे। आपको ऊपर ऊपर स्टडी करने की जरूरत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहां पे देखोगे कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, पहला लाइन इसका ये कहता है डेफिनेशन का। व्हाई इट इज नॉट एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, अब ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल डिवाइस क्यों नहीं है, क्योंकि चलता ये कहीं ना कहीं इसी इलेक्ट्रिकल पावर से है। जो आपके घर में 220 वोल्ट का पावर आ रहा है ये चलता उसी इलेक्ट्रिकल पावर से है, लेकिन हम इसको कहते हैं कि ये कैसा डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अब बात को समझो, चल रहा है इलेक्ट्रिकल पावर से और हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यानी यहां पर है क्या वो चीज। तो वो जो चीज है वो क्या है, वो जो चीज है वो है 12 वोल्ट। अगर आप वोल्ट का पढ़ाई फिजिक्स में पढ़े होंगे तो वोल्ट के बारे में आपको आइडिया होगा। ये 12 वोल्ट का पूरा खेल होता है, यानी 12 वोल्ट से अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में आप चले जाएं 12 वोल्ट से ज्यादा की ओर, तो उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। तो जो भी बड़े बड़े डिवाइसेस जो काफी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं अपने आप को रन कराने के लिए, वो किसके अंदर आते हैं, तो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के अंदर आते हैं। और जो भी चीज यहां पर इससे कम की चीजें होती हैं, जैसे यहां पर मैं अलग से बता दे रहा हूं कि जो इससे नेगेटिव 12 वोल्ट से कम में जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो इस साइड आप क्या कह दोगे, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, और इस साइड क्या कह देंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। अब यहां पर एक सवाल मन में आ रहा होगा कि सर ये 12 वोल्ट का खेल तो आपने बता दिया, लेकिन अब जरा ये बताइए, पहले तो ये चीज समझ में आया कि नहीं, जरा जल्दी से कमेंट सेक्शन में कर दें एक बार यस और नो, कि ये चीज समझ में आया कि क्या है कंप्यूटर, व्हाई कंप्यूटर इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इंस्टीड ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। ये सवाल समझ में आने का मतलब ये हुआ कि एग्जामिनेशन में आ जाएगा कंप्यूटर इज ए डैश डिवाइस, ऑप्शन में रहेगा इलेक्ट्रॉनिक, बी में रहेगा इलेक्ट्रिकल, बी में रहेगा इलेक्ट्रिकल, 12 वोल्ट ही क्यों, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल, एक पैमाना लेकर चलते हैं, दैट्स व्हाई। ठीक है प्रकाश जी, मुना इसलिए 12 वोल्ट को लेकर चला जाता है। अब मुद्दा यह है कि यहां पर जो काम करता है, जैसे मान लो कि यहां पर यह आपका सीपीयू, ये आपका कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है, ये कंप्यूटर सिस्टम एक बेसिक बना दिया, बड़े कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से समझना ताकि कंप्यूटर को आप फील करो। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि चीजों को अगर रटोगे ना तो आज नहीं कुछ दिन बाद या फिर कुछ समय के बाद आप भूल जाओगे, लेकिन अगर चीजों को रटोगे नहीं, चीजों को समझोगे। अभी मैं आप लोगों से अगर पूछूं कि 3 इडियट मूवी में उस टाइम में क्या हुआ था, तो पूरा स्टोरी आपके दिमाग में बैठा होगा। रीजन बिहाइंड दैट कि आप उसको रटे नहीं थे, आप उसको विजुअली रियलाइज किए थे, फील किए थे उस मूवी को कि हाँ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। ठीक उसी तरह से पढ़ाई के वक्त भी कंप्यूटर को पढ़ो तो ये, चूंकि इस बार आपका कंप्यूटर बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है चूंकि 50 मार्क्स का है, तो आपको करना क्या है कि कंप्यूटर को फील करना है कि हाँ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, क्यों इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, चलता उसे इलेक्ट्रिकल पावर से है। क्योंकि अब क्या अभी आपके दिमाग में खटका होगा कि सर ये अगर आपका है तो यहां जो हम पावर देते हैं वो जो बोर्ड रहता है हमारा, तो उस बोर्ड में 3 पिन के जरिए जो पावर देते हैं, ये स्विच हो गया आपका इस तरह से यहां पर, तो यहां जो पावर देते हैं आप इसमें, तो ये कहीं ना कहीं तो वही 220 वोल्ट है, तो ले तो रहा है ये 220 वोल्ट, कैसे आप कह सकते हैं कि 12 वोल्ट ले रहा है और कैसे कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो यही चीज आपको यहां पर डेप्थ में समझना है। पहले यहां पे ये समझो कि ये 220 वोल्ट तो लिया, लेकिन इस सीपीयू, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है आपका, अब ये भी मैं डेप्थ में बताऊंगा कि इट इज नॉट अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इट इज अ कैबिनेट, ये एक तरह का डब्बा है, इसके अंदर जो मदरबोर्ड होता है उसके ऊपर जो सीपीयू फैब्रिकेट होता है उसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या प्रोसेसर। ये चूंकि पूरे सिस्टम का एक सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग यूनिट है, यानी सारा प्रोसेसिंग का काम यहीं से होता है, दैट्स व्हाई बुक्स वगैरह में यहां पर एरो देकर सीपीयू या प्रोसेसिंग यूनिट लिखा रहता है, लेकिन एक्चुअल में प्रोसेसिंग यूनिट या प्रोसेसर क्या होता है वो अलग चीजें हैं। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि ये जो हमारा यहां पर है, अगर इसका मैं साइड व्यू यहां पर बना दूं, ये आपका साइड व्यू होगा, यहां पर पावर बटन हो गया, जो पावर बटन यहां था इसी का मैंने, ये आपका कैसा व्यू था, ये फ्रंट व्यू था,
अगर मैं बात करूं तो ये कैसा व्यू है, फ्रंट व्यू है, और ये कैसा व्यू है, ये आपका साइड व्यू है, ये आपका साइड व्यू हो गया। तो अब बात करेंगे फ्रंट व्यू और साइड व्यू की। तो यहां पर साइड व्यू में देखोगे तो सबसे यहां पर बैक साइड में टॉप में, बैक साइड में टॉप में, ये सब भी जानते रहना, क्योंकि हो सकता है पोजीशन ऑफ एसएमपीएस इन द कैबिनेट आपसे पूछ दिया जाए, फिर वहां पे फंबल मत करना कि सर पोजीशन ऑफ क्या होता है क्या नहीं होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि यहां पर जो होता है ये क्या होता है, एसएमपीएस, और जो भी बाहर से पावर लेने का काम करता है वो एसएमपीएस करता है। यानी कि एसएमपीएस का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए, यह भी एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन है, बार बार एग्जामिनेशन से पूछा जाता है, वो क्या है, स्विच मोड ऑफ पावर सप्लाई, स्विच मोड ऑफ पावर सप्लाई। बड़े अच्छे से सब फुल फॉर्म्स को याद करना, क्योंकि ये फुल फॉर्म्स अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, और जैसा कि मैंने बताया है कि ये मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन है, तो ये बार बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएमपीएस। अब थोड़ा सा वर्किंग समझ लेते हैं, ये क्या करता है। तो ये क्या करता है, पावर को यहां तो लेता है, ये स्विचिंग मोड में पावर को सप्लाई करता है, और ये पावर किसको देता है, तो ये पावर देता है यहां पर मेन बोर्ड, मेन बोर्ड ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो मैं पढ़ाते पढ़ाते बीच बीच में जो क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में आए हैं वो एग्जामिनेशंस के क्वेश्चन भी आपको करा रहा हूं, ठीक है। स्विच मोड ऑफ पावर सप्लाई, वेरी गुड संजय। तो जो भी मैं करा रहा हूं वो भी चीज करा रहा हूं कि यहां पर आपको बीच बीच में क्वेश्चंस भी करा दे रहा हूं कि ये क्वेश्चन आया हुआ है जी, इसको फोकस कर लो। तो अगर अटेंटिव स्टूडेंट होंगे तो वो बड़े ध्यान से पढ़ रहे होंगे और साथ में नोट्स लेकर वो क्वेश्चन भी लिख लेंगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक पढ़ने का अपने अंदर जज्बा लाओगे तो डेफिनेटली वो 50 नंबर में से आप 45, 46, 47, 48 कर पाओगे एज पर योर क्वालिफिकेशन और एज पर योर डेडिकेशन। तो चलिए आइए बात करते हैं। और जो लोग ये सोच के गलत फहमी कर रहे हैं ना, ये भी चीज बता दूं, ये बहुत मेरा देखा हुआ है कि जो लोग ये सोच के, बहुत बच्चे हैं जो कंप्यूटर बैकग्राउंड के होंगे, वो बड़े कॉन्फिडेंट होंगे कि अरे 50 नंबर का कंप्यूटर, ये तो इस बार तो मेरा एग्जाम में हो ही गया। लेकिन मैं बता दूं ये रियलिटी है, बहुत लोगों पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया है, बहुत सारे आपके सीनियर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, कि जिस बंदे का आपका कंप्यूटर बैकग्राउंड रहता है ना, कंप्यूटर में सारी गलतियां, बहुत मैक्सिमम गलतियां वही करके आते हैं, क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं। किसी क्वेश्चन को अगर नहीं आता है तो वो ईगो पे ले लेते हैं कि अरे ये क्वेश्चन कंप्यूटर का मेरे से नहीं बनेगा, चार ऑप्शन में दिमाग लगा के कुछ ना कुछ को टिक कर ही देंगे। और जो बच्चे का कंप्यूटर बैकग्राउंड नहीं है वैसे क्वेश्चन को वो क्या करेंगे, छोड़ देंगे डर से, और उसी में से 10 में 10 उसने बनाया, मालूम चला 6 गलत हो गया, ये 10 में से 6 बनाया था, 6 का 6 सही हो गया, मालूम चला जिसका कंप्यूटर बैकग्राउंड नहीं था वो टॉप कर गया, जिसका कंप्यूटर बैकग्राउंड था वो कंप्यूटर में स्कोर कर ही नहीं पाया, क्योंकि 6 गलत हो गए या फिर 4 भी गलत हुए तो माइनस मार्क्स भी तो आपको मिलता है रिवार्ड के तौर पर, ठीक है ना। तो इस चीज के ऊपर ध्यान देना कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि ओवर कॉन्फिडेंट आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं होना है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ओवर ये होने का मतलब, ओवर कॉन्फिडेंट होने का मतलब कि कहीं ना कहीं आप नेगेटिव मार्क्स को कैरी कर रहे हो, लेकर आ रहे हो। तो इस कारण से आप ध्यान देना इस चीज के ऊपर। इसके बाद बात करते हैं कि ये एसएमपीएस जो है ये क्या कहलाता है, स्विच मोड ऑफ पावर सप्लाई। अब ये पावर सप्लाई किसको करता है, तो यहां एक क्वेश्चन बनता है मेन बोर्ड, ठीक है ना, मेन बोर्ड, और मेन बोर्ड ऑफ सिस्टम इज नोन एज मदर बोर्ड, मेन बोर्ड ऑफ सिस्टम इज नोन एज मदर बोर्ड। मेन बोर्ड जो सिस्टम का होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मदर बोर्ड, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, द मेन बोर्ड ऑफ अ सिस्टम इज नोन एज मदर बोर्ड, फादर बोर्ड, सिस्टर बोर्ड, या फिर ऐसा करके कुछ आपसे पूछता है, तो आपको बताना है मेन बोर्ड कौन सा होता है। ओवर कॉन्फिडेंस, नैया डूब गई, बिल्कुल राहुल बिल्कुल। तो इसीलिए नैया डूबने नहीं देना है, नैया को पार लगाना है इस बार। और केवल मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं ना कि केवल आप मेरे क्लासेस के साथ बने रहो, देखना आप जब क्लासेस कंप्लीट होंगे और जब हम रिवीजन क्लासेस करेंगे तो आप में के अंदर इतना कॉन्फिडेंट आएगा कि इस बार तो 50 में मैं अप्रॉक्स 45 प्लस करके आऊंगा,
मैं 50-50 का भी कंपटीशन में नहीं बोलूंगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपको वहां पे गलत होंगे या कुछ होंगे, लेकिन 45 प्लस की गारंटी मैं आपको देता हूं। चलो इसके बाद बात करते हैं मेन बोर्ड। तो ये मेन बोर्ड के ऊपर क्या करता है, पावर सप्लाई करने का काम करता है। और मेन बोर्ड में जो आपका कॉर्नर में देखना, यहां पर एक आपका इस तरह से फैब्रिकेट रहता है। अब फैब्रिकेट का मतलब होता है जुड़ा हुआ रहता है। जो हिंदी वाले स्टूडेंट है, पहले तो थोड़ा सा ये चीज मानकर चलो कि कंप्यूटर हिंदी में नहीं होता है, कंप्यूटर की कोई भी पढ़ाई हिंदी में नहीं, लेकिन मैं जो भी वर्ड्स यहां यूज करूंगा ना उसका हिंदी जरूर यूज करता चलूंगा, ताकि आपको कहीं पर दिक्कत ना हो। तो अगर हिंदी वाले स्टूडेंट्स को सर एमएस वर्ड में दिक्कत है, कोई बात नहीं, एमएस वर्ड की जब बारी आएगी तो एमएस वर्ड को भी हम लोग हलवा बना देंगे। और देखना एमएस वर्ड पावर पॉइंट इस वे से आपको प्रैक्टिकल वे से बताऊंगा ना कि आप फील करोगे कि आप खुद से कर रहे हो, और प्रैक्टिकल नॉलेज ही आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। शॉर्टकट्स, वर्किंग वे, एक एक ऑप्शन, एक एक मेन्यू के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे और कोई चीज नहीं छूटेगा। तो एमएस वर्ड में कहीं दिक्कत नहीं होगा इन फ्यूचर। सर मैं आपको बता दूं कि मैं मैथ्स और कंप्यूटर पढ़ाता हूं, मैथ्स और कंप्यूटर। आपके पीजीटी का या टेक्निकल मैथ्स का जो भी मैथ्स का सिलेबस हो रहा है वो ले लो, या सीजीएल का जो भी मैथ्स हो रहा है वो ले लो, कंप्यूटर का जो भी पोर्शन हो रहा है वो ले लीजिए, वो सारा आपका कराया जाएगा। फिलहाल अभी इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड लेवल का आपका कंप्यूटर की पढ़ाई यहां पर हो रही है संजीव जी। तो यहां पर हम बात करेंगे कि ये जो होता है ये बेसिकली क्या होता है, प्रोसेसर। और इसी को प्रोसेसर का तीन चार नाम से हम जानते हैं। एक तो जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर। फिर दूसरा हम लोग इसको क्या कहते हैं, प्रोसेसर। और तीसरा हम लोग इसको क्या कहते हैं, सीपीयू, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है आपका जस्ट अ मिनट, जिसका फुल फॉर्म होता है, यहां पर मैं बता दूं, जिसका फुल फॉर्म हम लोग लिख लेते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर इसकी बात करें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो आप जान जाओ। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं कि इस डब्बे को, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पूरा कंप्यूटर कंप्लीट करा दूंगा और इस तरीके से आपको कराऊंगा ना कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बस आप मेरे साथ बने रहें और एक स्टोरी के फॉर्म में कंप्यूटर को पढ़ें। मैं नहीं कह रहा हूं कि एक सब्जेक्ट के फॉर्म में पढ़ें, एग्जामिनेशन को फोकस करके पढ़ें, एक स्टोरी के फॉर्म में पढ़ें। समझो कि आप एक घंटे का यहां पर कोई एक शो देख रहे हो, कोई एक एपिसोड चल रहा है कंप्यूटर का, और उस एपिसोड को आपको फील करना है। बहुत ज्यादा हेक्टिक आपको नहीं बनाना है, ठीक है ना। कोई बात नहीं, जीसस ओनली कंप्यूटर क्लास करना है तो वो भी ऑप्शन है आपके पास। और फी क्या रहेगा, तो फी आपको बता दिया जाएगा, या तो आप एग्जाम फाइटर्स ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पर आपको फी दिख जाएगा क्या है, या फिर आपको सर लोग आकर बता देंगे। टाइम बहुत कम है, टाइम का टेंशन ना ले। एग्जामिनेशन मैं क्या करूंगा, अभी जैसे रिवीजन क्लासेस चल रहा है जेएसएससी सीजीएल के लिए, जैसे वो कंप्लीट होगा आपका ये इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड का कंप्यूटर का क्लास रेगुलर कर दूंगा। और जब लगातार 7 दिन क्लास चलेगा सप्ताह में, तो आपको खुद पता चलेगा रुचि सिन्हा जी कि टाइम बहुत कम है, तो कोई मैटर नहीं, सब्जेक्ट हमारा अकॉर्डिंग टू सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट होगा। तो वो सब टेंशन आपका नहीं है, आपका बस एक टेंशन है कि आपको इसको एपिसोड की तरह देखना है, आपका वो सब टेंशन नहीं है। तो चलिए बात करते हैं कि एक बार बहुत अच्छे एग्जामिनेशन में, एग्जामिनेशन का मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपको 2 पॉइंट्स दिया था। एक दिया था क्या, मदरबोर्ड रिसाइड्स सीपीयू, मदरबोर्ड रिसाइड्स सीपीयू, और दूसरा था आपका क्या, सीपीयू रिसाइड्स मदरबोर्ड। अब ये 2 पॉइंट हैं। अब सबसे पहले बहुत सारे बुक में या फिर आप लोग भी इसको जानते होंगे ये क्या है, सीपीयू है, लेकिन इसी पे मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं कि ये सीपीयू है तो कैसे सीपीयू है। हम लोग, मैं कहता हूं कि अभी मैंने यहां पे बताया कि दिस वन इज माइक्रो प्रोसेसर, प्रोसेसर और सीपीयू, इसका नाम दिया। तो अब अगर आप इस कॉन्सेप्ट को लेके चलोगे तो इस क्वेश्चन में दोनों में बता पाओगे कि विच वन इज करेक्ट।
अगर आप इस कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे तो आप नहीं बता पाएंगे कि विच ऑप्शन इज करेक्ट। रीजन बिहाइंड दैट क्या है कि देखो यहां पर क्या है कि ये बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर में आपका क्या है मदरबोर्ड होगा और वो सीपीयू को कर रहा है, और यहां पे क्या कहता है सीपीयू रिसाइड्स मदरबोर्ड, मतलब सीपीयू ये पूरा बक्सा सीपीयू अगर आप बोल रहे हो तो ये मदरबोर्ड को रिसाइड कर रहा है, या मदरबोर्ड जो ये पूरा बॉक्स जो है ये क्या है मदरबोर्ड है, ये रिसाइड कर रहा है सीपीयू को। तो कॉन्सेप्चुअली और इस पॉइंट इसका अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, मदरबोर्ड रिसाइड सीपीयू, सीपीयू रिसाइड मदरबोर्ड नहीं होगा, यानी कि ये जो मदरबोर्ड है ये सीपीयू को रिसाइड कर रहा है, ना कि सीपीयू जो है वो मदरबोर्ड को रिसाइड कर रहा है, क्योंकि ये सीपीयू है ही नहीं, इसको हम लोग नाम के लिए प्रोसेसिंग यूनिट बोल देते हैं लेकिन एक्चुअल में ये एक कैबिनेट है, एक डब्बा है जिसके अंदर में बहुत सारे कॉम्पोनेंट होते हैं। सेशन कितने महीने का होगा संजय, वो हम लोग देख लेंगे, अगर अल्टरनेट चलेगा तो ज्यादा जाएगा, लेकिन अल्टरनेट चलाऊंगा नहीं, कुछ दिन बाद इसको रेगुलर क्लासेस कर दूंगा क्योंकि टाइम कम है और सिलेबस हमारे पास काफी है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसका वेटेज है इस बार, आपके और एग्जामिनेशन की तरह नहीं कि कंप्यूटर का वेटेज नहीं, इस बार इसका वेटेज है तो आपको टेंशन नहीं लेना है। हिंदी टाइपिंग, बिल्कुल बिल्कुल, चूंकि हिंदी टाइपिंग भी है तो टाइपिंग रिलेटेड क्वेश्चन, टाइपिंग रिलेटेड सॉफ्टवेयर और उसको कराकर यहां पर आपको लाइव दिखाया जाएगा, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है टाइपिंग रिलेटेड के लिए, वो सारी चीजें होंगी, टाइपिंग रिलेटेड सारी चीजें यहां कराई जाएंगी। चलिए तो मूव टू द नेक्स्ट, हम लोग आते हैं नेक्स्ट के पास। तो ये मदरबोर्ड हो गया, इसके बाद बात करेंगे कि इसमें जो एक होता है, चूंकि मैंने इसके डायग्राम को अभी खोला है तो इसमें जो एक होता है यहां पर होता है सिक्का टाइप का गोल होता है, आप कॉइन की तरह गोल देखोगे तो वो होता है। अब ये काम क्या करता है सबसे पहले तो ये समझ जाओ। मोना ओनली कंप्यूटर की फी कितनी अगर जानना है तो प्लीज प्ले स्टोर पर जाओ और एग्जाम फाइटर्स का ऐप डाउनलोड कर लो, वहां से आपको पता चल जाएगा, ठीक है, या फिर जो भी कॉन्टैक्ट नंबर नीचे अभी वीडियो स्क्रीन पर दिख रहे होंगे आप उस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर लो, आपको पता चल जाएगा कि इसकी फी कितनी है और कैसे एनरोल करना है, अपार्ट फ्रॉम पढ़ाई आपको जो भी चीजें हैं वहां पता चल जाएंगी। अब ये वाला जो चीज है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका नाम दिया गया है सीमॉस, ये क्या है सीमॉस है। अब सीमॉस करता क्या है, पहले तो इससे दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहला तो पूछता है कि सिस्टम अगर ऑन है और अगर आप बंद कर दिए 10 दिन बाद खोले तो भी वो करेक्ट टाइम बताता है, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो इसके पीछे का रीजन आपको पता होना चाहिए, हाँ एमबी मदरबोर्ड, एमबी मदरबोर्ड, यस यहां पर एमबी क्या है मदरबोर्ड है, ये एमबी क्या है मदरबोर्ड है, और सीपीयू आपका क्या है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ये चीज ठीक है, तो आपको ये चीज पता होना चाहिए, ठीक है। सीमॉस, हाँ सीमॉस क्या करता है, अब ये चीज जरा जान लो, तो आपका जो 10 दिन बाद भी ऑन करते हो और टाइम अपडेट बताता है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे जो है सर लाइव क्लास होगी या रिकॉर्डेड, लाइव क्लास होगी, लाइव क्लास चलेगी रिया, रिवा रिवा लाइव क्लास चलेगी, आपको परेशान नहीं होना है। और दूसरी बात कि लाइव क्लास अगर किसी दिन छूट गया, जैसे मान लो कि एमडब्ल्यूएफ में क्लास चल रहा है, मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेंसडे छूट गया, तो वेंसडे छूट गया और फ्राइडे आपने किया तो वेंसडे का क्लास आपके एग्जाम फाइटर्स ऐप पर मिल जाएगा जहां से आप आकर उसको देख सकते हो, तो सारी सुविधाएं हैं, आपको परेशान नहीं होना है रिवा। तो अब ये जो होता है सीमॉस ये काम करता है कि 10 दिन बाद आप सिस्टम ऑन कर रहे हो तो भी यहां पर क्या है कि टाइम को मेंटेन किए हुए पावर सप्लाई कर रहा है ताकि ये क्या करे, ये एक तरह का बैटरी का काम करता है। जैसे आप घड़ी में देखते होंगे कि घड़ी में पहले, मतलब ये तो एनालॉग वॉच की बात कर रहा हूं मैं, डिजिटल वॉच की नहीं, एनालॉग वॉच में एक छोटा सा कॉइन टाइप का रहता है, कॉइन नहीं काफी छोटा रहता है, इतना छोटा आपको बटन जैसा रहेगा और वो स्टील का रहता है, तो वो क्या है उसी का लार्जर फॉर्म, अगर कॉइन के फॉर्म में कॉइन के साइज में हम लोग बात कर लें तो यहां पर ये क्या करता है आपका बैटरी का काम करता है। और सीमॉस का फुल फॉर्म पूछा जाता है क्योंकि सीमॉस जो है, हाँ वेरी गुड आर्यन, क्योंकि सीमॉस जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत बार जहां भी कंप्यूटर है वहां ये चीज पूछ ही दिया गया है, तो मोस्ट रिपिटेटिव में ये भी आएगा। सीमॉस का फुल फॉर्म अगर जान जाए
तो कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो सीमॉस का पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि सीमॉस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सीमॉस का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। आई होप यहां तक सबको समझ में आया होगा। एक बार अगर यहां तक सबको समझ में आया है तो एक बार डन लिख दें, फिर मैं इसके आर्किटेक्चर के ऊपर चलता हूं कि कंप्यूटर का आर्किटेक्चर क्या होता है। लेकिन उससे पहले एक जरा 2 मिनट रुक जाना कि ये जो एक यहां पर जो आप देख रहे हो ये सीपीयू जो है ये क्या है। तो सबसे पहला चीज, सीपीयू इज अ टाइप ऑफ अ चिप। ये एक क्या है, चिप है। अब चिप क्या होता है, तो 2 वर्ड यहां पर आते हैं, एक आता है आपका चिप और एक आता है आपका चिप्स। तो ये चीज को समझो, चिप्स जो है खाने वाला, चिप का मतलब बेसिक क्या होता है। तो चिप का मतलब होता है हाँ डन वेट मोना आर्यन रुक जाइए, चिप का मतलब स्लाइस या टुकड़ा। चिप का अगर बेसिक मीनिंग जाने तो वो क्या होता है, चिप के बेसिक मीनिंग में आ जाएगा स्लाइस या फिर टुकड़ा। अगर हिंदी में बात करें तो इसको क्या बोलेंगे, टुकड़ा। चूंकि मैंने बताया है कि हिंदी वाले स्टूडेंट को भी कहीं कोई दिक्कत होने वाला है नहीं, तो स्लाइस या टुकड़ा होता है, ठीक है ना। अब स्लाइस या टुकड़ा जो है, ओके थैंक यू झारखंड टीचिंग जी के, परेशान मत होइए, थैंक यू सो मच। चलिए तो ये स्लाइस या टुकड़ा क्या है। अब जो आप चिप्स खाते हो ये किसका स्लाइस होता है, पोटैटो का। आप लोग पोटैटो चिप्स खाते हैं, आलू चिप्स खाते हैं, और यहां जो ये चिप बना हुआ है ना, चूंकि ये सिंगुलर होता है, ये प्लूरल फॉर्म में नहीं होता है, एक चिप होता है। तो ये जो चिप होता है ये किसका बना होता है, ये पोटैटो का नहीं, ये किसका बना होता है, सेमीकंडक्टर का। तो देखो बड़े अच्छे से कहानी के फॉर्म में पढ़ना तो जाकर आपको रटना, आपको रटना पड़ जाएगा चिप इज मेड अप ऑफ अ सेमीकंडक्टर, चिप इज मेड अप ऑफ अ सेमीकंडक्टर। तो ऐसा रटना नहीं है आपको, आपको चीजों को समझना है कि चिप किस चीज का बना होता है, चिप जो होता है सेमीकंडक्टर का बना होता है, और सेमीकंडक्टर में भी कौन कौन। हाँ वेरी गुड, चिप स्लाइस, यस वेरी गुड संजय, ऑल योर्स मोना। अब यहां जो चिप बना होता है ये किसका बना होता है, सेमीकंडक्टर का। यहां पे मैं लिख देता हूं क्या, सेमीकंडक्टर। और ये सेमीकंडक्टर में भी किस चीज का, तो या तो सिलिकॉन का या तो जर्मेनियम का। ये 2 चीज आपको पता होना चाहिए कि सेमीकंडक्टर में भी अगर ये बना होता है तो किस चीज का बना होता है, या तो सिलिकॉन का बना होता है या तो जर्मेनियम का बना होता है। बताओ बात समझ में आई कि नहीं। जोहार जोहार गुरबा जी जोहार। चलिए स्लाइस, हां सिलिकॉन और जर्मेनियम, वेरी गुड। और इसी से कोरिलेट करके इसका एटॉमिक नंबर आप याद कर लेना, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि यहां पर जनरल अवेयरनेस में हो सकता है ये चीज आपसे पूछ दिया जाए कि जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, वॉट एवर जो भी ऐसी चीजें हैं। चलिए यहां तक हो गया हो तो फिर हम आगे मूव करते हैं और आगे देखते हैं चीजों को और देखते हैं इसके आर्किटेक्चर को। पहले इस पूरे चीज में से कहीं किसी को कुछ पूछना है तो यू मे आस्क वाया कमेंट। अगर इस पूरे चीज में से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, आपका टाइम स्टार्ट होता है, आप कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। क्या नितेश क्या पूछ रहे हैं, टावर। क्लैरिफाई कीजिए क्या पूछ रहे हैं, जिनको भी कुछ पूछना है प्लीज आस्क, क्योंकि ये डेमो क्लास है, इसमें आपको वे पता होना चाहिए कि कैसे पढ़ना है, कैसे हम पढ़ाएंगे आपको, क्या पढ़ाएंगे, पढ़ाने का स्ट्रेटेजी क्या होगी। तो आप सारी चीजों से आप क्लियर कर लें। यस सिलिकॉन 14, यस वेरी गुड मोना, सिलिकॉन 14। सर शॉर्टकट्स बता दीजिए, शॉर्टकट बताएंगे, जहां शॉर्टकट वाला चीजें आएंगी वहां ना बताएंगे, अभी तो हम इंट्रोडक्शन बता रहे हैं, अब इसमें क्या शॉर्टकट बताएं, ऑल योर्स।
सर कंप्यूटर का अलग से क्लास दीजिए, तो कंप्यूटर का अलग से ही चल रहा है ये कंप्यूटर का अलग से ही है जीसस। साटा और पाटा का क्या यूज है? ये साटा और पाटा वायर होते हैं, ठीक है, सीरियली और पैरेलली कम्युनिकेशन के लिए साटा और पाटा होता है। ये सब लाइव मैं आपको दिखाऊंगा, साटा केबल लाकर, पाटा केबल लाकर, कहां वो लगता है, ये सारी चीजें बताए। हाँ वेरी गुड, जर्मेनियम 32, वेरी गुड। कैबिनेट को टावर बोला जाता है क्या सर? हाँ टावर कह सकते हैं, सीपीयू टावर या कंप्यूटर टावर कह सकते हैं ये, लेकिन बोलचाल की भाषा में हम और आप कहते हैं, ठीक है ना, कहीं भी प्रोफेशनली इसको नहीं बोला जाता है नितेश टावर। इसको टाइपिंग से बताया जाएगा, टाइपिंग का आपको क्लास कराया जाएगा, अभी तो इंट्रोडक्शन क्लास है तो अभी टाइपिंग डायरेक्ट हम लोग जंप नहीं करेंगे, एक सीक्वेंस में चलेंगे हम लोग, तो टाइपिंग का भी होगा। अच्छा पेपर में पेपर 3 कंबाइन है, ओके ठीक है, मैं बात कर लेता हूं अपने टेक्निकल टीम से और उस पर डिस्कस करूंगा कि बच्चों का रिक्वायरमेंट आ रहा है कि कंप्यूटर को अलग से किया जाए, तो उसमें देख लेंगे हम लोग। पेपर 3 में इसलिए क्योंकि ये कंबाइन पेपर में ना है, 50 मार्क्स का कंप्यूटर अकेले है, लेकिन उसके साथ तो पूरा 200 मार्क्स या 150 मार्क्स जो भी होगा साथ में ना है। सिलिकॉन इज अ सेमीकंडक्टर, यस प्रदीप, यस यस। टच स्क्रीन इनपुट और आउटपुट दोनों है क्या सर? प्लीज रिप्लाई। टच स्क्रीन, देखो स्क्रीन और पीडीए दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। आप जो देखो, पहले मैं यहां पे बना देता हूं, ठीक है ना, ये मान लो कि ये आपका टच स्क्रीन है, लेकिन टच स्क्रीन ये नहीं है, इसके अंदर जो होता है ना, आप देखो तो इसके अंदर जो होता है एक पीडीए लगा होता है। क्या लगा होता है यहां पर? पीडीए। अब चीज को समझो, ये अंदर में क्या लगा हुआ है? पीडीए, जो कि आपको क्या किया गया है, ऑपेसिटी उसकी हाइड कर दी हुई है एक तरह से समझो तो। वीडियो का फुल फॉर्म वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट या विजुअल डिस्प्ले यूनिट आप लिख सकते हो। पहले नितेश का क्वेश्चन बता देता हूं कि अब ये जो है ये मॉनिटर एक तरह का डिस्प्ले है, तो ये टच स्क्रीन नहीं है, इसमें इसके अंदर जो इस ग्लास के अंदर पीडीए लगा हुआ है वो टच का काम करता है। तो अगर बात करें केवल टच स्क्रीन आपसे पूछा जाए, वहां पे डिस्प्ले की बात नहीं हो रहा है, मतलब आपसे पूछ ही रहा है कि वैसा स्क्रीन जो टच स्क्रीन है, तो टच स्क्रीन में तो आप देख रहे हैं, स्क्रीन में तो आप देख रहे हैं, लेकिन टच कर रहे हैं तो उससे इनपुट हो रहा है। तो अगर टच स्क्रीन की बात करें तो वो इनपुट डिवाइस में आएगा, वहां पर हम आउटपुट का सेक्शन लेकर नहीं चलेंगे। लेकिन आपको याद रखना है कि वो जो डिस्प्ले होता है, डिस्प्ले के अंदर में एक पीडीए होता है, पीडीए, आपको पीडीए जो होता है वो आपको टच स्क्रीन का काम कराता है, ना ही कि जो मॉनिटर जिसपे डिस्प्ले होता है वो टच स्क्रीन का काम कराएगा। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर जो पीडीए होता है। और जो हम बात रही, ऑल योर्स पूछ रहे हैं कि वीडियो का फुल फॉर्म क्या होता है, द फुल फॉर्म ऑफ वीडियो इज विजुअल डिस्प्ले यूनिट या फिर वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट। देखो मैं यहां लिख दे रहा हूं, वीडियो का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट, वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट, या फिर बहुत सारे जगह पर वर्चुअल अगर ना रहे, कॉमन सेंस में हम लोग बात करें तो यहां पर क्या रहता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी रहता है, VISUAL, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। यह भी चीज आपको पता है होना चाहिए। इसके बाद काजल पूछती हैं कि सर स्टडी पे फोकस नहीं हो पा रहा है, बहुत सेटिंग के द्वारा सेट फुल हो जा रहा है, इसलिए डर के इतना पढ़ के भी सिलेक्शन होगा कि नहीं। देखिए काजल, सबसे पहला तो ये जान जाइए कि ये सब सोचना ही बंद कर दीजिए कि सीट रिजर्व हो चुका है, सीट बिक चुका है, एग्जामिनेशन होगा कि नहीं। आप स्टूडेंट हैं, आपका काम है पढ़ना, ये सब नेगेटिव चीजें हैं, नेगेटिव वाइब्स आपको देती हैं, तो इन सब चीजों के ऊपर तो आपको फोकस करना ही नहीं है कि एक्चुअल में सीट बिक चुका है, सारा सेटिंग हो जाएगा। आपका काम है पढ़ना और पढ़ो, और ऑनेस्ट के साथ से आप पढ़ोगे तो डेफिनेटली आप अच्छा करोगे और किसी भी एग्जामिनेशन में जान जाओ। मैं बता दे रहा हूं, ऐसा नहीं है कि 100 का 100 सेट यानी 100% सेट आपका रिजर्व हो जाता है या बिक जाता है। जो टैलेंटेड बच्चे हैं, जो मेहनत करते हैं, जो ऑनेस्टी के साथ पढ़ते हैं, उनका सिलेक्शन होता है। तो आपका काम है पढ़ाई करना, आप पढ़ाई करो, आप इन सब चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दो।
चले दिनेश क्या कहते हैं, बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस हम कैसे कहते हैं, किसे कहते हैं? तो बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस उसमें आएगा वैसा डिवाइस जहां पर इनपुट के साथ साथ आउटपुट दोनों दिया रहे। पीडीए क्या है, पीडीए बताऊंगा, असिस्टेंट होता है वो, डिजिटल असिस्टेंट, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट कहते हैं, एक तरह से आपको असिस्ट करता है कि क्लिक यहां पे कीजिए, क्लिक वहां पे कीजिए, तो वो पीडीए कहलाता है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, नितेश अभी ये सब आएगा, सब आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम में, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं तो रिपीट कर दे रहा हूं, हालांकि बहुत बच्चे अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचे होंगे। देखो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ना, जैसे एक होता है सिंगल ट्यूशन पढ़ाना, प्राइवेट ट्यूशन, जिसको पर्सनली किसी को बैठ के आप पढ़ाते हो, और एक होता है बैच में किसी को पढ़ाना। तो मान लो जो बच्चे हैं वो कमांड्स हैं, देखो एक ये फॉर्म में समझो, ठीक है, जनरल फॉर्म में समझो कि बच्चे जो हैं वो किसका काम कर रहे हैं, कमांड्स का। तो अगर सिंगल कमांड टीचर से पढ़ रहा है, यानी सीपीयू से एग्जीक्यूट हो रहा है, सिंगल कमांड आके एग्जीक्यूट हुआ, तो वो नॉर्मल है। लेकिन अगर मल्टीपल कमांड्स मिलकर के एक बैच बन गए और वो आए सीपीयू के पास एग्जीक्यूट होने के लिए, तो वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है उसको हम लोग कहते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बात समझ में आई कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जहां पर मल्टीपल कमांड्स मिलकर के एक बैच बनाते हैं और फिर सीपीयू के पास प्रोसेस होने के लिए जाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं बैच प्रोसेसिंग सिस्टम। और इसका वेल नोन एग्जांपल आपका दो हो जाएगा, एक तो एटीएम मशीन में जो यूज होता है, या फिर आप बात करोगे तो बिल प्रोसेसिंग में जो यूज होता है। आप मल्टीपल कमांड्स दे देते हो और फाइनली जब प्रिंट पे ओके करते हो तो वो सारा चीज प्रिंट होकर के निकलता है। चलिए तो अभी हम लोग क्लास यहीं पे ओवर करेंगे, ये डेमो क्लास नंबर 1 था आपका इंटरमीडिएट कंप्यूटर वाले, इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड कंप्यूटर के सिलेबस का, और फिर एक दो डेमो और जाएगा, तब तक आप लोग एडमिशन एनरोल करवा लीजिए एग्जाम फाइटर्स ऐप पे जाकर, ताकि आप फिर मेरा जो पेड क्लासेस वाला सीरीज चलेगा वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। सिलिकॉन इज अ टाइप ऑफ अ सेमीकंडक्टर, एक तरह का सेमीकंडक्टर है, ठीक है सर। जेएसएससी में जनरल ओबीसी का सबसेट फुल हो गया है, सेटिंग से वायरल हो रहा है तेजी से। तो काजल ये सब वायरल न्यूज के ऊपर ध्यान मत दीजिए, ऑल योर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर बताऊंगा जब, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बताऊंगा तो। सर टाइप ऑफ प्रोग्राम एक कंप्यूटर ऑपरेटर के द्वारा कंप्यूटर करके आउटपुट जनरेट होता है बैच ओएस में, यस यस। बताऊंगा सब बताऊंगा। चलिए क्लास टाइम रूटीन पे आ जाएगा, एग्जाम फाइटर्स ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां राइट हैंड साइड कॉर्नर में शेड्यूल या टाइम टेबल का सीक्वेंस होगा, वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अच्छे से रहिए और पढ़ते रहिए, और किसी भी तरह के वायरल न्यूज के ऊपर फोकस मत कीजिए, आपका काम है पढ़ना, आप पढ़ते रहिए बस, ठीक है, ओके।